हेलो मेरे भाइयों और मेरे ही भाइयों, तो मैं अपने दोस्त सामी के साथ आ गया हूँ सीज़न 19 का वीक 3 अनलॉक करके, और वीक 3 के मिशन आपको बताने के लिए कि वीक 3 पे कौन कौन से मिशन आएंगे और इन्हें कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको सजेस्ट करूँगा मैं कि मतलब ऐसे वीक 3 कंप्लीट करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही पबजी मोबाइल की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँगा आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो नॉन रॉयल पास के लिए फिर एक बार पबजी ने स्क्वाड फ्रेंड बूस्ट का वीक 3 पे ऐड कर दिया है। तो ये रॉयल पास के साथ खेल के 50% अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। और हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना चलिए मिशन जो वीक 3 के हैं वो उन्हें बताते हैं। तो पहला जो है MK14 से अपन को 8 एनिमी किल करने क्लासिक मोड पर, और दूसरा है किल 8 एनिमी विथ VSS, और तीसरा है किल 8 एनिमी विथ SKS। मतलब मिनी 14, VSS, SKS इनमें से कोई एक ही कंप्लीट करना है। हर बार की तरह इस बार भी एक ही कंप्लीट करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा मिनी 14 या VSS से अपन कंप्लीट कर सकते हैं क्लासिक बोर्ड पे बिल्कुल आराम से। हमारा जो दूसरा मिशन है वो किल 200 एनिमी विथ AUG-A3 इन अरेना, यानी TDM से हमें 200 एनिमी ऑग से किल करने हैं, और किल 10 एनिमी विथ AUG-A3 इन क्लासिक मोड। ऑग तो भैया क्लासिक मोड पे एयर ड्रॉप या फिर फ्लेयर ड्रॉप पे ही मिलेगी। और इसके और भी मिशन है तो हम किल कर सकते हैं भैया AUG-A3 क्लासिक मोड से 10 किल आराम से कर सकते हैं। और भी एयर ड्रॉप के और भी मिशन है रॉयल पास वालों के लिए। तो और जो नहीं कर पाता तो वो TDM से कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई एक ही करना है। और जो इसमें है तीसरा जो है, तो इन क्लासिक मोड विन 3 मैच विथ लेवल 3 का जो हेलमेट है, यार पढ़ता नहीं आता यार मेरे से, लेवल 3 का जो हेलमेट है, बस 3 बार हमें विन करना है मैच उससे पहन के इन स्क्वाड, मतलब स्क्वाड के साथ हमें मतलब विन करना है। और दूसरा है पिकअप गिली स्वीट 6 टाइम 6 मैच, यार इसके लिए तो ड्रॉफ ही लूटना पड़ेगा यार। तो 2 मिशन है हमारे पास एयर ड्रॉफ के रॉयल पास वालों के लिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा यार पूरा, इसमें क्या है, सब तो होता है पूरा। और ये तो भैया पहले ही मिल जाता है क्योंकि मैं डायमंड पे हूँ और ये प्लेटिनम का है, तो ये पहले ही मिल जाता है। इसी के साथ रॉयल पास के सारे मिशन हो गए कंप्लीट। तो अब आते हैं नॉर्मल नॉन रॉयल पास के लिए, ये विन 30 मैच इन अरेना। तो ये रॉयल पास स्क्वाड फ्रेंड बूस्ट के अंदर आता है। तो रॉयल पास वालों के साथ खेलोगे यार तो आपका 50% टास्क तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की नहीं है भैया, नॉन रॉयल पास हो यही फ़ायदा है इस मतलब मिशन पे, सिर्फ इसी मिशन पे। तो 30 टाइम विन करना है अरेना फिर, या फिर लैंड वाला यार ये हर बार देता है। तो अपन प्रेसिडेंट रिसॉर्ट ये सैनहॉक मैप पे है, ठीक 3 टाइम लैंड करना है। अभी तो मेरा हॉस्पिटल का ही बचा यार वीक 2 का, लैंड ऑन एनी रूप टॉप मीरामार पे है यार, ये मीरामार कोई खेलता ही नहीं। और वैसे अगर प्रेसिडेंट रिसॉर्ट देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये आराम से कम्प्लीट हो सकता है। और भैया ये तो रिंजल का आ गया भैया, मिलिट्री बेस है, मिलिट्री बेस में मरो या मारो, सिर्फ टास्क ही कंप्लीट होगा। तो वैसे ये सोलो पे खेलना है यार, मैं तो खेलने से रहा स्क्वाड पे, हिम्मत करके जाऊंगा बहुत बड़ी। फिर इसके बाद आते हैं अपना रूफ टॉप कम्प्लीट करने के बाद, इसके बाद हमारे 2 मिशन बचे। तो M762 से अपन करेंगे क्लासिक मोड पर 20 किल, या फिर 200 किल करेंगे TDM पे। तो M762 से यार 20 किल आराम से हो जाएंगे क्लासिक मोड पे से 7 दिनों में आराम से यार, 1 वीक में हो जाएंगे। और इसके बाद रेस प्लेटिनम और अबव क्लासिक मोड। तो यार ये तो मेरा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है क्योंकि मैं खुद क्लासिक मोड मतलब प्लेटिनम टायर से ऊपर हूँ, तो ये मैंने कलेक्ट कर लिया है। जैसे हमें सारे मिशन कंप्लीट करने हैं रॉयल पास और नॉन रॉयल पास वीक 3 के, तो सारे के सारे बहुत इजी है यार, बहुत आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।